मैंने इसे एक्सटेंशन किया था तो नया एक नेल स्टूडियो था तो वहाँ से मैंने एक्सटेंशन किया था। उन लोगों ने कहा कि मैडम दूसरी जगह से आप करते हो तो यहाँ पे एक बार करके देखो, एक महीने से ज्यादा तो टिक ही जाएगा, एक महीने से ज्यादा टिक जाएगा। जहाँ पे 10 डेज के अंदर मेरा ये टूट गया और बहुत ही बुरी तरह से टूटा है, जबकि 1.5 साल से मैं ये नेल एक्सटेंशन कर रही हूँ। 1.5 साल के एक्सपीरियंस में मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसका एक फोटो खींची मैंने रखा है, इतनी बुरी तरह से टूटा है। उसके बाद जब ऐसे मतलब हेयर टाई करने जाती हूँ तो यहाँ पे शोल्डर पे फेस पे कट का बहुत सारे दाग है, इससे कट हो गया था। नेल कटर से मैंने कट कर लिया ताकि इससे और खर्च ना आए। एक्चुअली हालत हमारा बहुत खराब है, घर में आटा नहीं है इसलिए आजकल ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं घंटा 2-2.5 घंटा मैं रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे अभी कॉफी पीने आए स्टारबक्स पे और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। अभी यहाँ पे आके चेयर भी ठीक करना पड़ रहा है, देखो ड्यूटी क्या कम है हमारा। आज बहुत अच्छे अच्छे कुछ गप सबके साथ मैंने शेयर की। और उसके बाद इसका जो प्राइस है ना वो मैंने आपको हाईलाइट इसलिए की क्योंकि जो अच्छे अच्छे कप्स दिखते हैं ना उसका जो प्राइस है ना वो इतना ही अच्छा होता है। स्टारबक्स का कोई कप मेरे पास नहीं है। जब भी मैं मिथुन से कुछ मांगती हूँ ना तभी बोलते हैं कि और भी वेराइटीज डिज़ाइन के कप मैं तुम्हें ला के दूँगा। चलो तो मेरे साथ ले जाके बैरकपुर में जो उस साइड में मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो फुट में जो कप बैठे ना वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाके बोलते हैं जितना चाहे उतना उठा लो। जिन्हें नहीं किया मैं सबको बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि लुलू से जब भी मैं लुलू पे जाती हूँ तो मिथुन मुझे कुछ ना कुछ कप्स वहाँ से ला के देते। एक ग्रीन टा न्यू दिल्ली और इंडिया कलर शुद्ध आलदा ग्रीन इनसाइड ब्लू। इसके ऊपर अभी ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है। कोई भी आप स्टारबक्स के शॉप में जाओ वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑफर। तो इसका जो प्राइस है वो मैंने आपको दिखाया, आपको अगर चाहिए तो आप जाके ले सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और ये छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका है ना, इसका प्राइस भी देखो 600 रुपीज़ है। ये दुटोई निच्छी की करबो, दुटोर बेशी तो और देवे ना। मैं तो संभाल के कुछ नहीं देता। तो कैसा लगा आपका मेरा पैर का नेल एक्सटेंशन? लाइफ में पहली बार किया है, तो आज मैंने पहली बार ट्राई किया है। पता नहीं टिकेगा कब तक, क्योंकि एवरीडे मुझे जिम जाना पड़ता है तो स्नीकर्स वगैरह पहनती हूँ, तो उस टाइम में पता नहीं कैसा लगेगा, मतलब कितना दिन टिकेगा। पर मुझे बहुत अच्छा लगा और नेल का ये किया मैंने। चले आने के बाद मुझे भी फिर से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना स्वेटर भूल गई हूँ वापस। इसलिए मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ तो मैं मिस करी, कुछ तो मिस करी, याद नहीं आ रहा था कि क्या मिस करी हूँ। दोनों हाथ में मेरा चीज था, मेरे को फिर से जाना पड़ेगा। आज बहुत सालों बाद मैं घोटी गरम खा रही हूँ। घोटी गरम पता है क्या है? ये मुझे भी नहीं पता। ये घोटी गरम है। घोटी गरम बेसिकली हॉट मसाला मिक्सचर। पहले बेचते थे, पता है इनको। जस्ट अभी हम घर लौटे और अभी जा रहे हैं हम कहीं और। पता है क्या, एक चीज बताऊं कि देखते कि आप में से कितने सारे लोग ये गेस कर पाते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे 20-30 पर्सन अगर इनवाइट करूं मेरे घर में, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? एनी गेस। तो वही 20-30 लोगों को इनवाइट करने जा रही हूँ मैं। ऑलरेडी फोन पे बाबा ऑस्कर आस्ते बाबू आस्ते देखो। तो ऑलरेडी फोन पे दूर में जो लोग हैं और मासी के घर मामा के घर पूरे दिन जाते रहते, उनको तो फोन में बोलने का कोई मतलब नहीं है ना। तो उनके घर हम जा रहे हैं इनवाइट करने, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और क्यों है वो हम आपको धीरे धीरे एवरी ब्लॉग में बताएंगे कि क्यों। ऑस्कर दुष्ट करे ना जाओ। किस तरह से बदमाशी करता है ये बच्चा, किस तरह से बदमाशी करता है। सब समय এরকম ভালো লাগে বলো তো, সব সময় এরকম বাদরাম করবে কেউ আসবে না বাড়িতে। চলো দাও বাজে ছেলে না আজকে নিয়ে হঠাৎ নিয়ে যেতে হবে না। ঠিক আছে তুমি থাকো, বললাম তো তোমার কাছে একটাই तो কথা বললাম। ₹100 खर्चा करवाने के बाद मुझे ₹20 का घोटी गरम खिलाया, वो भी आधा पैकेट। बड़े लोग बड़ी बातें, इसलिए छुट्टा नहीं था। सेम कलर का मैं ले सकती थी, पर थोड़ा सा मल्टी कलर का लिया। कभी हम एक्सचेंज करके हम पी सकते हैं। तो अभी आपको एक चीज पता चला कि व्लॉगर को हमेशा इतना शॉपिंग क्यों मिलता है, मतलब इतना शॉपिंग करने का मौका क्यों मिलता है, क्योंकि कैमरा के सामने हम सच बोल देते हैं और उसी सच को झूठ साबित करने के लिए हस्बैंड हमें ऐसे शॉपिंग करवाते हैं। कितना बार इसको झूठ साबित कर चुका, तो इसीलिए इतना ज्यादा शॉपिंग बोला ना, इसीलिए वो सच नहीं रहा। सुनिए एक बात सुनिए, मेरे पास ना एक भी डायमंड का नेकलेस नहीं है या इवन कुछ भी नहीं है मेरे पास डायमंड का। शादी के पहले ही डायमंड दिया था, वही जो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है वो वाला, उसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ वो है एक मेरे पास। नहीं मतलब मेरे कैमरा में भी इतना दम नहीं कि उसे ढूंढ पाए, इसलिए आपको मैं कभी नहीं दिखाती। बाय द वे आज बोल दिया, अगर किसी में दम है तो वो झूठ साबित करके दिखाए। यहाँ पे है मेरे वास्ते का नया वॉशिंग मशीन, जो कि उस दिन देखने आई थी पर नहीं देख पाए। ये आगे इंस्टॉल करके गए पर आज भी नहीं आया, तो आज भी देखने का मौका नहीं मिला। तो भी चलो चलते हैं। तो मैं मेरे सिस्टर और राही दोनों यहाँ पे हैं, तो दोनों को लेके चलेंगे, उनको अपना घर छोड़ेंगे और फिर हम अपने घर जाएंगे। तो अभी ऑस्कर का खाना रेडी कर रहे हैं और मेरा ये नेल की वजह से मैं नेल के ऊपर एक जेल है वो जेल लगाना भूल गई थी, तो अभी जस्ट लगाया है, तो इसलिए मिथुन ऑस्कर का खाना रेडी कर रहा है। और ये है लंच हमारा, जो कि लंच आज तो मैंने नहीं किया। आपने देखा था जो एक सैंडविच खाया था ना, वो आधा सैंडविच एक नहीं और आधा घर लेके आई थी। तो बाय द वे ये है मेरा बॉइल्ड वेजिटेबल, ये है लौकी का सब्जी विदाउट चिंगड़ी माछ, पॉम्फ्रेट, दाल, अपना बेड बना लो और सोने चलो। तो जिस दिन आर्यन बेड नहीं बनाता है ना, तो उस दिन यहाँ पे आके सो जाता है। और कभी कभार ऐसे ही सो जाता है, कभी कभार जानबूझ के फिर से सारे बुक्स वगैरह निकालना पड़ेगा यहाँ से। चलो यहाँ पे सो जाते हैं। और कल से लेके 2 दिन तक हम रहेंगे बहुत ज़्यादा बिजी। अगर हो सकता है तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी और अगर नहीं होता है तो नहीं बनाऊंगी। चलिए गाइस आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।